सभी जन को राम राम मैं हूं मेघा मिश्र और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जहां मैं आपको बताती रहती हूं कि सीबीएसई क्या कुछ लेकर आया है नए कॉम्पिटिशन नई पॉलिसीज या फिर हो कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग और आप करते हैं मुझे ढेर सारा सपोर्ट उसके लिए थैंक यू वेरी मच तो आज की जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है सीबीएसई साइंस चैलेंज के ऊपर जो कि क्लास एट से लेकर टेंथ तक के बच्चों के लिए कराया जा रहा है ऑर्गेनाइज बाई सीबीएसई तो विदाउट गेटिंग डिलेट लेट्स वोट टू द वीडियो हेलो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नए सर्कुलर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पर जिसको डेट किया गया है तीन अप्रैल को और आप अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर ऑलरेडी आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि सी साइंस चैलेंज है कुछ इसके मेन मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको कर देती हूँ जल्दी से डिस्क्राइब कि ये जो चैलेंज है साइंस चैलेंज वो कराया जा रहा है क्लास एट नाइन्थ और ट्वेल्थ के लिए है ना तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एट टू ट्थ ये जो है साइंस चैलेंज होने वाला है क्वेश्चन ये, ये एक टू राउंड चैलेंज होने वाला है नो फी शैल फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट से कोई भी फी नहीं ली जाएगी और अब हम विदाउट गेटिंग डिलेट देख लेते हैं कि कैसे इसका प्रोसीजर है और कैसे स्कूल्स को फॉलो करके ये दो राउंड का साइंस चैलेंज अपने स्कूल में कराना है कंडक्ट तो चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पे एनेक्शन नंबर वन में आप देख सकते हैं कि सारी गाइडलाइंस आपको स्कूल्स के लिए मिलेंगी और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन अगर मान लीजिए पहले तो आप बच्चों के पास जाएंगे उनसे रजिस्ट्रेशन उनके नेम्स ले लेंगे कि कौन कौन बच्चे इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं फॉर राउंड वन जितने भी बच्चे चाहते हैं आप उन सबका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस इस साइट पर जाकर और इसकी लिंक एज़ यूजल मैं आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहां पर उसे ले सकते हैं और सी बी एस ई बोर्ड स्कूल्स जितने भी रहते हैं उनको सी बी एस ई प्रोवाइड कराता है एल ओ सी क्रीडेंशियल्स है ना जो कि लिस्ट ऑफ़ कैंडिडेट क्रीडेंशियल्स जो होते हैं बोर्ड वाले एग्जाम के उसी क्रीडेंशियल से वो यहाँ पर कर सकते हैं अपने स्कूल uh, को लॉग इन uh, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि राउंड वन के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा डेट थ्री अप्रैल से लेके फोर्टीन अप्रैल के बीच में और जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद सेम वेबसाइट पे स्कूल्स को मिलेगा क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर कब से कब तक मिलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन पेपर और स्कोरिंग क्राइटेरिया यानी कि क्वेश्चन पेपर भी और आंसर की दोनों अपलोड की जाएंगी सेम वेबसाइट पर सेवनटीन अप्रैल को 17 अप्रैल से लेकर ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल तक डेट किया गया है कि स्कूल को अपने स्कूल्स uh, में ये राउंड uh, वन जो साइंस चैलेंज है उसको कंडक्ट कराना है और जो स्कूल के टीचर्स होंगे उनको उनकी एक्यूरेसी और स्पीड के हिसाब से उसको uh, चेक करना है इवेलुएट करना है और हर क्लास से मतलब जैसे कि क्लास एट से दो बच्चे क्लास नाइन से दो बच्चे क्लास टेन से दो बच्चे ऐसे करके आपको छह स्टूडेंट्स उसमें से जो है उनको सिलेक्ट करना है जो बेस्ट सिक्स स्टूडेंट्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा राउंड टू के लिए और राउंड टू का रजिस्ट्रेशन सेम वेबसाइट पे आपको मिलेगा ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल से लेके फोर्थ मे तक आपको उनका उन छे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर देना है फॉर राउंड टू प्रोसेस जो बच्चे होंगे राउंड टू के लिए क्वालिफाइड उनका जो एग्जाम है वो कराया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड साइंस चैलेंज मतलब एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और सीबीएसई की होगा वेबसाइट पर कैसे होगा क्या होगा इसकी पूरी जानकारी अगर आप अपने स्कूल को रजिस्टर करते हैं तो आपके पर्सनल ई पे कर दी जाएगी स्कूल के ई मेल पे कर दी जाएगी सेंड कि आगे उसमें क्या क्या प्रोसेस होगा तो अकॉर्डिंगली आप फॉलो भी कर सकते हैं और राउंड टू का जो एग्जाम होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे होगा आठ मई से लेके बारह मई तक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने स्कूल में साइंस चैलेंज को कंडक्ट uh, सभी को मेरा प्रणाम है और नमस्कार हो चुका है मेरे जाने का समय इसी तरह करते रहिएगा मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ऑल्सो जो भी आपके मन में हो शंका मुझे जरूर बताइएगा मैं करती रहूंगी उसका समाधान मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे